बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको कोई प्यार ही नहीं करता है और हमारे किस्मत में हमारे नसीब में प्यार ही नहीं है। जिसको देखो हमको धोखा देकर चला जाता है, जिसको देखो वो हमारा नाम बदनाम करके चला जाता है। ऐसा कोई स्त्री भी बोलती है और ऐसा कोई पुरुष भी बोलता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको कोई प्यार नहीं करता, जिनके प्यार नहीं मिल रहा है, जिनको जिनको उनकी इच्छा अनुसार कोई प्यार नहीं कर रहा है, या जिनको उनका मनपसंद वर नहीं मिल रहा है, वो लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी से थोड़ा सा भी प्यार करते होंगे और आप चाहते हैं कि वो आपसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अपनी इच्छा अनुसार ज़रूर देखिएगा और हम आपको वशीकरण, तंत्र मंत्र, टोने टोटके जैसे तरीके आपको ज़रूर बताएंगे क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो ये समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगता है कि आपकी बात को कोई समझ नहीं पाएगा, आपकी बात को कोई सुनता है तो हंसता होगा, ऐसा सही है। लेकिन जो समझ रहा है वो आपकी बातों को दिल से समझता है। मुझे बहुत दुख है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। चलिए मैं आप लोगों को एक तंत्र मंत्र का बहुत ही आसान तरीका बताने चाहता हूँ। और ये जो तरीका होगा, इस तरीके को अगर आप लोग कर लेंगे तो यह समझ लीजिए स्त्री ही नहीं, पुरुष ही नहीं, जिसे चाहोगे वो आपका गुण गाएगा। हर कोई एक दूसरे का गुण गाता घूमेगा। आप चाहो तो अपने ऊपर इस काम को कर सकते हो। आप जिसके ऊपर उंगली उठा दोगे वो आपके वश में हो जाएगा। वश में हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी उंगली के इशारे पर वो नाचना चालू कर देगा। आप जो बोलोगे कि आप पैदल 10 किलोमीटर चला जाओ, या आप आग के ऊपर चलो, या आप फूल तोड़ लाओ, या आप पैसा ले आओ, धन ले आओ, दौलत ले आओ, ऐसा वाला नहीं। ऐसा वाला जो आपके दिल को समझे, जो आपके साथ में जीवन बिता सके, जो आपके दुख और दर्द को समझ सके, जो आपकी खुशी में खुश रह सके, जो आपके दुख में रो सके, ऐसा जीवन साथी, ऐसा दोस्त, उसे आपको वश में करना है। ये होता है वश में करने का बहुत आसान सा, जो मैंने छोटे से शब्दों में आपको बता दिया। ना कि किसी को वश में करें तो उसके साथ में कुछ नाजायज़ करें, उसके साथ में हम धन दौलत के लिए उसको वश में कर दें, या हम उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उसको 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 नुकसान पहुंचाने के लिए हम जादू टोना करके उसको वश में करें, ऐसा नहीं है। जो मैंने अभी बताया कि आप अगर रो रहे हैं और वो जान गया तो वो भी रोने लगे। अगर आप खुश हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, किसी बात के ऊपर आपको खुशी मिली है तो वो सुने तो उसको भी खुशी हो जाए। ऐसा जीवन साथी, ऐसा प्यार, ऐसा दोस्त आपकी भी किस्मत में है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने ये जो सोच लिया है कि आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये सोच लिया है कि आपकी लाइफ में ये इंसान आ जाए तो आपके जीवन सुधर जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अब आप बहुत सारे काम करोगे, खुश रहोगे, खूब मेहनत करोगे, मगर वो आपको मिल जाए, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मगर इसको करने में आपको थोड़ा सा सोचना होगा। इस उपाय को करने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा कि मुझे ये करना है। करने के बाद में इसका जो असर होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, वो तुरंत होगा। दोस्तों, ये दो तरीके पे हो सकता है। पहला, या तो आपको खिलाने पिलाने की वशीकरण की सामग्री, या तो उसके ऊपर डालने वाली सामग्री। तो ये हो गया पहला। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है, जैसे कि उसका पूरा नाम आपको मालूम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मालूम है, उसकी माताजी का नाम मालूम है, ये उसका घर किस द्वार में है, किस जगह पे है, कौन से रुख में है, कौन से दिशा में है, ये सारी जानकारी है आपके पास में, तो आप कोई भी वशीकरण का मंत्र उसके ऊपर सिद्ध करवा कर जपिए, तुरंत होगा वश में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी मंत्र ना करना पड़े और फिर भी वो आपके वश में हो जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। एक आपको नींबू लाना है और नींबू के ऊपर ऊपर 7 लिखना है और नीचे भी आपको 7 लिखना है। अगल बगल आपको अपना और उसका नाम लिखना है, तो ये बन जाएगा प्लस। और प्लस जब ये बन जाए तो इसको प्लस बनाकर चौराहे के ऊपर ले जाकर के नींबू को काट दीजिए। बस दोस्तों, तुरंत ये आपके वश में हो जाएगा। ऐसा आप हर मंगल मंगल करिएगा, या हर शनि शनि करिएगा, या हर सोम सोम करिएगा। आप जो चाहो तब ये कर सकते हो, मगर जिस दिन करोगे वही दिन फिर दोबारा करना होगा। दोस्तों, ये जो हमने आपको नींबू के ऊपर वशीकरण का टोटका बताया है, बहुत ही शक्तिशाली है। आप इसे कर सकते हैं। खिलाने पिलाने की वशीकरण की सामग्री, फोटो पर डालने की सामग्री आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपना नाम लिखिए।